अपने करियर के शुरुआती दिनों में, और इसी होटल में शादी हुई थी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की। यहाँ पे मैं भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनसे जब इन्वेस्टिगेशन होती होगी। और देखिए आप लोग, इलीट कौन है, वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु घूम रहे हैं। कितना एस्थेटिक है इस स्टैचू में। तो हमारा खाना अब आ गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी, और चाणक्यपुरी में एक होटल है द अशोक। ये होटल मोदी जी के घर के एकदम बगल में है। ये पहला ऐसा होटल है जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है, और बाकी सब 5-star होटल से काफ़ी कम रेट में है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी लोग ज़्यादा आते हैं। देखिए वहाँ पे एक एयरफोर्स ऑफिसर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव भी मिलता है यहाँ पे रुकने के लिए। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं किसी से मिलने, और किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कुछ खाने पीने। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा, इसके अंदर भी जाके आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है G20 समिट का। बहुत तरह के डिफेंस ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स इधर उधर घूमते आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे फॉरेनर्स भी। तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग। यहाँ पे जगह जगह G20 समिट का पोस्टर लगा हुआ है, और ये बहुत ही सिक्योर और पॉश इलाका है, क्योंकि यहाँ के बगल में ही प्रधानमंत्री जी रहते हैं। 7 Race Course है, लोक कल्याण मार्ग, और PMO है, PM का आवास है, बाकी सब देश के गणमान्य लोगों का, सांसदों का यहीं अगल बगल निवास स्थान है। ये है वो होटल, काफ़ी पुराना है, ये आज़ादी के जस्ट बाद ही बनाया गया था, या फिर आज़ादी के पहले का भी रहा होगा, काफ़ी पुराना होटल है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। सामने कन्वेंशन हॉल है, यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, और ये रहा हमारा टी लॉन्ज। यहाँ पे देखिए पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं टी लाउंज में, और हमने ऑर्डर किया है ब्लैक फॉरेस्ट केक, और साथ में है थोड़ा कोक पेप्सी। यहाँ पे लाउंज में बैठे हुए हैं, आप देखिए 5-star होटल का लाउंज कैसा दिखता है। अब मैं चल रहा हूँ खाने। पहले हमने ऑर्डर किया था ब्लैक फॉरेस्ट, लेकिन उसका ब्रेड मुझे पता नहीं फ्रेश क्यों नहीं लग रहा था, थोड़ा टाइट लग रहा था वो, मुझे लगा बड़ा सॉफ्ट होगा। फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बदल दिया और मुझे पाइनएप्पल का दे दिया, जो अभी 15-20 मिनट पहले ही इन्होंने बेक किया हुआ है। तो सर्विस तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। ये सरकारी होटल है, फिर भी इसमें टी लॉन्ज में मेन्यू देख लीजिए आप, मेन्यू कार्ड
चाय मिल रही है 400 रुपए की। ये है होटल के लाउंज से बाहर का व्यू। इस होटल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे शाहरुख खान बहुत विजिट किया करते थे अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में, और इसी होटल में शादी हुई थी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की। तो ये होटल कई मायनों में खास है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर और आपको दिखाएंगे ऊपर की क्या बनावट है इस होटल की। यहाँ बना हुआ है बिजनेस सेंटर, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती होंगी यहाँ पे। और ये देखिए एक तरफ से कमरे हैं इस तरफ। एक तरफ से यहाँ कमरे बने हुए हैं रहने वालों के लिए। यहाँ के कुछ कमरों और कुछ स्वीट से मोदी जी का घर दिखता है। अगर आप यहाँ पे कुछ सही कमरों का चुनाव करेंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर का घर भी दिख सकता है आपकी खिड़की से, क्योंकि बगल में ही है। ये है स्विमिंग पूल एरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कश्मीर। सुनने में आता है कि ये होटल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये सब जो लैंड यहाँ पे है इसको डोनेट किया हुआ था कर्ण सिंह, उन सब लोगों ने मिलकर ये होटल बनाया था। यहाँ पे कमरों के और लाउंज के नाम भी कश्मीर के नाम पर है। ये कमरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे मे भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनसे जब इन्वेस्टिगेशन होती होगी तो इसी होटल के कमरे में लाके होती होगी, क्योंकि उनको तो ऐसे थाने में नहीं लेके जा सकते ना, तो उनके लिए उनकी पूछताछ भैया 5 स्टार में होती है। हाँ, हम लोगों से पूछताछ होनी होगी तो थाने में लेके जाएंगे। ये 3rd फ्लोर है और यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप लाउंज है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स और गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं। देखिए अंदर सब सजा हुआ है। इस बैंक्वेट हॉल में आज किसी की वेडिंग रिसेप्शन है, देख लीजिए पूरी तैयारी हो गई अंदर। हम अभी हैं 4th फ्लोर पे और ये पेंटिंग देखिए आप, बढ़िया पेंटिंग है। हम लोग अभी 5th फ्लोर पे हैं और ये है हेरिटेज ब्लॉक। देखिए हेरिटेज स्वीट्स का नाम भी है, नाग, नटराज, जमुना, नीलम। अभी हम लोग हैं 6th फ्लोर पे और इसका नाम है अशोक इलीट क्लब। इलीट लोगों के लिए है ये। और देखिए आप लोग इलीट कौन है, वहां पे एक बौद्ध भिक्षु घूम रहे हैं। ये 6th फ्लोर का लाउंज है और कमरे हैं एक तरफ से सब।
इलीट क्लब अंदर से कैसा दिखता है देख लीजिए। ये है 7th floor और इसमें जो स्वीट्स हैं इनके नाम है पन्ना, बसंत। कितना प्यारा पीस ऑफ आर्ट रखा हुआ है रथ मंदिर जैसा। बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं हर तरफ, हेरिटेज पेंटिंग्स। ये आम 5-star होटल या 7-star होटल की तरह नहीं है, एक हेरिटेज होटल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मास्टरपीस रखी हुई है। ये 7th floor का स्वीट है पन्ना और बसंत नाम से। देखो होटल के अंदर डेंटल स्टूडियो भी है, क्लिनिक भी है, बैंक है, एटीएम है, कॉफ़ी शॉप है, कुछ बचा नहीं है जो ना हो। ये है यहाँ का पूल साइड कॉफ़ी शॉप। हम यहाँ बैठे हैं कॉफ़ी शॉप पर, पूल साइड का व्यू है। देखिए कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। हमें कॉफ़ी हाउस का मेन्यू कार्ड मिला है, देखिए मेन्यू कार्ड। इतना मोटा, पढ़ने बैठे तो सुबह हो जाए। लेकिन ये सिर्फ मेन्यू कार्ड नहीं है, ये पूरा हेरिटेज है, पूरे दिल्ली के बारे में कहानियाँ हैं इसमें, इस मेन्यू कार्ड में। यहाँ पे है होटल का जिम और इस तरफ है स्विमिंग पूल। हम अभी बैठे हैं कॉफ़ी हाउस में और यहाँ हमने ऑर्डर किया है कैसाडिला, साथ में है सॉस और यहाँ पे है पूल साइड व्यू। पता नहीं कैसे वीडियो में ये लाइट बहुत ब्लिंक कर रही है, थोड़ी बहुत लाइट तो वहाँ ब्लिंक कर ही रही है लेकिन ये वीडियो में और ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं कैसे, कुछ होगा हैक कैमरे का। जिससे मैं मिलने आया था वो, उसने तो मेनू कार्ड में जैसे ही कैसाडिला देखा तो पिघल गया, खाना जुट गया। लेकिन मैं जाऊंगा अभी अवध, यहाँ पे अवध रेस्टोरेंट है जहाँ पे अवधी खाने मिलते हैं, लखनवी खाने, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ खाऊंगा। अब हम लोग जा रहे हैं अवध, अवधी खाना खाने। अवध रेस्टोरेंट जाने के रास्ते में देखिए सैलून भी है, ज्वेलर शॉप भी है, रमजाना ज्वेलर्स। द स्टैच्यू सो एस्थेटिकली क्रिएटेड। मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं कितना एस्थेटिक है इस स्टैच्यू में। नीचे रखे हुए कुछ फ्लावर्स, देखिए यहाँ पे अवध में अवध के नवाबों का पोर्ट्रेट लगा हुआ है और ये है रेस्टोरेंट अवध स्टाइल में। दीवार पे देखिए डिजाइन जो बच्ची कारी की गई है अवध स्टाइल में है। पूरा रेस्टोरेंट आपको दिखाते हैं 360 डिग्री में। यहाँ की कुर्सियों पर जो फैब्रिक्स है उनमें भी अवध स्टाइल में ही डिजाइन है। ये है एक और अवध के नवाब की फोटो, नवाब की कोई बेगम होंगी, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। पीतल के बर्तन, तिजोरी।
तो दो लोगों के लिए हमें ये टेबल मिला हुआ है। ये मेन्यू कार्ड पूरा ग्रंथ जैसा है, देखिए यहाँ का सारा मेन्यू कार्ड ग्रंथ जैसा है। इस मेन्यू कार्ड में सिर्फ आपको प्राइसेस नहीं मिलेंगे बल्कि उस जगह की हिस्ट्री भी मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अवध और ये बनी हुई है सुराही, जो अवध के नवाब वगैरह प्रयोग किया करते थे शराब पीने के लिए। इसके अंदर खोलने पर दिखता है चीज़ों के नाम, मेन्यू और बहुत सारी चीज़ें। वो था ड्रिंक का मेन्यू कार्ड, खाने की चीज़ों का मेन्यू कार्ड इधर है। देखिए लखनऊ बिल्डिंग, लखनऊ में ऐसी बिल्डिंग्स बहुत आम हैं। नवाब साहब नाम पढ़िए इनके, नोशे शुरुआत इब्तिदा ए शोरबा सारे उर्दू नाम हैं। खजाना ए कबाब, जायका मिठाई है, और ये है मुजफ्फर शायद केसर वगैरह की मिठाई है। ये है 1858 का लखनऊ। आप लोगों ने सुना होगा 1857 में रिवोल्ट हुआ था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो उसमें अंग्रेजों ने बहुत सारी ज़मीन हड़प ली थी अवध के नवाब की। प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी है इसके ऊपर। उस कहानी में शतरंज के बारे में बताया गया है, शतरंज के खिलाड़ी रहते हैं और कैसे अय्याशी में डूबे रहते हैं नवाब और उनके परिवार वाले। पीछे बना हुआ है द अशोक का सिंबल, और ये फिर से लखनऊ की बिल्डिंग होगी शायद। ये हमें मिली हुई है हील वाली ग्लास। इस मेन्यू कार्ड के अंदर दिया हुआ है एक शॉर्ट हिस्ट्री अवध के बारे में, और इसमें नवाब वाजिद अली शाह, इसका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, उनके बारे में दिया हुआ है क्योंकि वो बहुत शौकीन थे अवध की आर्ट के, कल्चर के, फूड के। उन्होंने कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए थे अपनी लाइफ में नए नए। तो ये जो रेस्टोरेंट है, ऐसा बोला जाएगा किसने पूरा अवध की संस्कृति को संजो के रखा हुआ है। तो हमारा खाना अब आ गया है, ये है कटहल बिरयानी अवध की, है ना भैया? यस सर। और ये ड्रिंक क्या है? ये शाने दरबार। शाने दरबार जी सर। तो कटहल मुझे वैसे बहुत पसंद है, कटहल की सब्जी मतलब जान लो कि वेजिटेरियन लोगों का मुर्गा। तो अभी हमारी बिरयानी आ गई है, और यहाँ पे देखिए कितने एस्थेटिक वे में हर चीज़ परोसा गया है। ये कटहल बिरयानी है, इसमें कुछ बीच बीच में कटहल पड़ा हुआ है, और साथ में है रायता। दिस इज रायता, रायता सर, वेजिटेबल रायता। ओके, ये है सैलड, ये है पापड़, और ये है सुराही पानी पीने के लिए। हम लोग खाना खा चुके हैं, देखिए टेबल लगा जैसे कोई उजड़ी हुई रियासत लग रही है हमारी टेबल। लेकिन ये कटहल का जो बिरयानी था बहुत टेस्टी था। और बाहर जो रास्ता है वो लोक कल्याण मार्ग 7 रस कोर्स के लिए है, जहाँ पे हमारे मोदी जी रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग।